उखाड़ना है, मेरा कुछ उखाड़ देना। अरे सीनियर कैसी कैसी, काहे को सीनियर से। मैटन ऑफिस में जो बैठे है ये सेकंड ग्रेड, ये हटने चाहिए, हटने चाहिए। मैं भी तो सेकंड ग्रेड हूँ, मेरे से जूनियर यहाँ सुपरवाइजर बन के बैठे हैं। मेरे को ये प्रॉब्लम है कि सभी स्टाफ की जातिवाद व भेदभाव से ड्यूटी लगाई जा रही है और यहाँ रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। पहले कोरोना की लहर आई थी उसमें जो ड्यूटी रोस्टर बन रहा था उसके अनुसार ड्यूटी लगनी चाहिए, किसी भी स्टाफ के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ऊपर सर्जिकल पाइप 6 में सिलेंडर मैं चेंज करता हूँ, वेंटिलेटर मैं लेके आता हूँ, सारे सभी मैं करवाता हूँ। वहाँ एक स्टाफ पॉजिटिव आ गया, हो सकता है मैं भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई और मैं चला जाता अभी छुट्टी पे। लेकिन बात यह है कि हम तो रोटेशन के अनुसार ड्यूटी चाहते हैं, और जो मैटर्न ऑफिस में सेकंड ग्रेड बैठे हैं उसको हटाया जाए यहाँ से, नहीं तो मैं भी सेकंड ग्रेड हूँ, मैं भी आके रजिस्टर चेक कर सकता हूँ, रजिस्टर में हाथ भी लगा सकता हूँ। भेदभाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो पहले तो देख रहे थे कोरोना में, कोरोना के मैनेजमेंट देख रहे थे, अब क्या है कि उनके हाथ में कोई सत्ता है नहीं, और बना रहे हैं ये जो मैटर्न बने हैं ब्लॉक सुपरवाइजर, उठा उठा के नाम दे देते हैं, चेहरा देख के ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ कितना स्टाफ है और कितनी की ड्यूटी है? 200 स्टाफ ड्यूटी कर रहा है, 800 का स्टाफ है, 600 स्टाफ मौज कर रहा है कार्डियोलॉजी में मौज कर रहा है। अभी बहुत से स्टाफ आज पीडिया ब्लॉक में, आज तक एक ऐसे भी स्टाफ है जिनकी दोनों लहरों में ड्यूटी नहीं लगी है कोरोना। तीन जने पॉजिटिव हो चुके हैं, मेरी वार्ड में से एक जना पॉजिटिव आ चुका है। मैं भी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट करवाऊँ तो मैं भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन फिर भी आज क्या किया आपने? मैंने तो यही बोला है, मैडम दीदी से बात किया, अगर रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं लगाई तो मैं तो आना कल से ड्यूटी नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। मैं भी RCT करवा सकता हूँ, मेरी 15 से ऊपर आ सकती है, मैं भी कल से छुट्टी ले लूँगा। पीडी तो सभी है, सभी बंदे जिसकी कोविड में ड्यूटी लग रही है, कोई एक भी बंदा ऐसे नहीं बोल रहा कि ये रोटेशन, ये जो आदेश आया अग्रिम आदेश का क्या अर्थ होता है? अग्रिम आदेश तक आज जो बैच छुट्टी पे जा रहा है उसका अभी तक उस बैच की अभी ड्यूटी प्रणाली नहीं बनी, ड्यूटी का वो सूची नहीं बनी कि वहाँ ड्यूटी कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैटर्न बने हैं उनको कोई पता नहीं है। जो पहले से ये ड्यूटी की रोस्टर बना रहे थे वो अच्छा चल रहा था पहली लहर में, अब ये कोई पता नहीं है। अब हम तो यही चाहते हैं कि रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगे। और यह जो मैटर्न ऑफिस में बैठे हैं, ये सेकंड ग्रेड, ये हटने चाहिए। मैं भी तो सेकंड ग्रेड हूँ, मेरे से जूनियर यहाँ सुपरवाइजर बन के बैठे हैं। BL मेरा 200 हो गए और बोले जब तक अग्रिम आदेश नहीं आते हैं कंटिन्यू तुम्हें वहीं फिक्स ड्यूटी करनी। कोविड वार्ड में सारे बेड फुल है, 30 बेड है, 30 पे 30 सिलेंडर है, पर कोई व्यवस्था नहीं है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि रिपोर्टिंग के काम के लिए भी हमें खुद जाना पड़ता है, रिपोर्ट देने, रिमेनिंग देने, सारे डेटा हम खुद दे के आते हैं, कोई वार्ड बॉय की व्यवस्था नहीं है, सिलेंडर के लिए इतने परेशान होते हैं। पर आंकड़ों में तो सिलेंडर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सिलेंडर की कमी है, वो किस पे बोल रहे हैं? आंकड़ों का तो मुझे नहीं पता, पर ये है कि ना बस वही डेटा कलेक्ट करने आते हैं, वार्ड बॉय एक दे रखा है, एक वार्ड बॉय को दो दो वार्ड दे रखे हैं, अब वो एक बंदा कितने सिलेंडर भरेगा? कोविड के कंटिन्यू मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर आप लोगों की किस तरह की व्यवस्था की गई है? आप लोगों को कितनी सेफ्टी दी जा रही है इस चीज़ को? हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं, अगर हम कंटिन्यू काम करेंगे तो हम पॉजिटिव नहीं होंगे क्या? हम कितने दिन तक कंटिन्यू काम कर, हमें प्रॉब्लम हो रही है, कितने दिन हो गए हमको करते हुए, कोई ऑफ नहीं हुआ। कितने टाइम से फैमिली और इन सब से नहीं मिले? हम तो डेली फैमिली के पास जा रहे हैं, कोई हमारी ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, डेली फैमिली के पास ही जा रहे हैं। हम तो कहाँ जाए अगर नहीं जाए तो, हमें तो ये कह दिया कि अग्रिम आदेशों तक तुम्हें वहीं ड्यूटी करनी है। सर हमारी कोरोना वार्ड में ड्यूटी है और हमें अग्रिम आदेशों तक लगाया गया है, हम पॉजिटिव वार्ड में हम 60-60 पेशेंट का काम करते हैं, बताओ कंटिन्यू लगातार हम ड्यूटियाँ कैसे करेंगे? बाकी जो और स्टाफ हैं उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा रोटेशन में? ना रोटेशन में ड्यूटी लगाओ ना, मतलब हमें ऑफ भी नहीं दिया जा रहा और कह रहे कि कंटिन्यू ड्यूटियाँ करो, ऐसे थोड़ी होता है ना। हमारे बाल बच्चे ने, हम चाहते हैं कि हमें 14 दिन की ड्यूटी करवा के 7 दिन का क्वारंटाइन दें ताकि हम भी हमारे बच्चों से मिलें, हमारे भी घर में बीमार चल रहे हैं, हम उनको भी तो देखें ना। कितना नर्सिंग स्टाफ है आपको? नर्सिंग स्टाफ कम से कम 1500 स्टाफ है। और कितने लोगों की कोविड के अंदर? कम से कम 200-250 की लगा रखी, बाकी सब अपने मजे से फिर रहे हैं। इसलिए कह रही हूँ कि हमारी रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाए, जो दूसरे वार्डों में नॉर्मल वार्डों में करें उनको भी लगाया जा रहा, हमें दूसरे चेंज किया जाए। हालत बहुत बेकार बने हुए हैं नाना, हमें पता है कि हम पानी तक नहीं पी पाते हैं, 6 घंटे ड्यूटी करते हैं जब, नाना पानी पीने का टाइम भी नहीं मिलता है हम लोगों को, जब हम बीमार हो जाएंगे हमारे बच्चों का कौन है? आप लोगों ने प्रिंसेंट से ये हमारे अध्यक्ष सर कह रहे हैं कि हमने करी थी बात ना, अभी देखो वो भी क्या निकलता है नतीजा ना। जल्द अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे?
हम तो फिर 14 दिन के बाद ड्यूटी पे नहीं आएंगे, जो लेटर निकाला निकालो, हमारे भी बच्चे हैं घर पर ना, हम उनको नहीं देखें क्या? आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा है, मैं जेएलएन से स्टाफ सेकंड ग्रेड। मेरी ड्यूटी कोरोना वार्ड में जब से शुरू हुई तब से लग रही है, महीना होने को आया आज तक ड्यूटी हटाई नहीं गई है, और इनको बार बार आके बोलने के बावजूद यही कहते हैं कि तुम वहीं फिक्स करो, जबकि मुझे आज तकलीफ हो रही है, मेरे चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं इनको आके बोल रही हूँ कि मेरी दिक्कत हो रही है, आप मेरी ड्यूटी हटाओ दीदी, लेकिन फिर भी कोई सुनने में नहीं आ रहा है। किससे शिकायत की थी? मैंने मेडिकल ऑफिस में की शिकायत आके जी, लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हें वहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, फिक्स करनी पड़ेगी। कितने दिन से आप ड्यूटी कर रहे हैं? 11 तारीख से ड्यूटी कर रही हूँ मैं वहाँ पर। किस तरह के हालात हैं जेल में? बहुत ही बुरे हालात हैं। वार्ड बॉय के लिए फ़ोन करते हैं तो वार्ड बॉय नहीं आता है, बोलते हैं तुम ही वार्ड बॉय की जगह काम करो, रिपोर्टें पहुँचाओ इधर उधर। बताओ क्या क्या काम करेगा एक इंचार्ज? सिलेंडर की प्रॉब्लम बड़ी चल रही है, रोज आते हैं लिस्ट बना के ले जाते हैं कि हमारे तुम्हारे वार्ड में कितने सिलेंडर खाली है, 2 खाली है, 3 खाली है, कल भी लिख के ले गए, आज भी लिख के ले गए, लेकिन भरने के नाम पे कोई नहीं आता है। कितना स्टाफ है आपका यहाँ? मेरे स्टाफ अभी 9 हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि रोटेशन वाइज ड्यूटी लगाई जाए। क्या सिलेंडर खाली नहीं ले जाते हैं ना भरे देते हैं, बस लिस्ट में नाम लिखते हैं और ले जाते हैं, बस डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। आदमी जो लिस्ट बनाने आता है उसके साथ में 2 असिस्टेंट साथ में फ्री आते हैं, नर्सिंग स्टाफ ही सिलेंडर चेंज करता है, फीमेल स्टाफ दे रखा है, इतने बड़े बड़े सिलेंडर फीमेल स्टाफ से उनसे खींचेंगे क्या? वार्ड बॉय की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जल्द आपकी मांगे पूरी नहीं होती गई तो आगे क्या करेंगे? हम हड़ताल करेंगे अगर हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई तो। नर्सिंग कर्मियों का है जो पिछले गत कई महीनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन से मांग की जा रही है कि कोरोना ड्यूटी के संपर्क में लगातार आने की वजह से वो उनकी खुद वो पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो जाने के बाद वो घर पर जाकर अपने बच्चों को और अपने परिवार को संक्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस तथ्य को लेकर माननीय अधीक्षक महोदय, नर्सिंग अधीक्षक महोदय, चिकित्सा अधीक्षक महोदय जैन साहब से बात की गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई ना होने के कारण नर्सिंग कर्मचारियों में रोष की स्थिति बनी हुई है। उक्त मांग को लेकर आज नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। नर्सिंग अधीक्षक मैडम से मांग की गई है कि पॉजिटिव जो वार्ड हैं उनमें नर्सिंग कर्मचारी की ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से लगाई जाए, जिससे कि हमारे नर्सिंग कर्मचारी पॉजिटिव संक्रमण में कम से कम आवे। पूर्व में भी जब कोरोना आया था 2020 मार्च अप्रैल में, तब भी इतने ही स्टाफ में महामारी को पूरी तरीके से मैनेज करने का काम कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया गया, लेकिन इस बार भी ऐसी हालत होने के बावजूद भी मैनेज नहीं किया जा रहा है, जिससे समस्त नर्सिस कर्मचारियों में रोष की स्थिति बनी हुई है। अभी अधीक्षक मैडम से वार्ता हुई है, अग्रिम वार्ता चिकित्सालय अधीक्षक से होंगी, अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो समस्त नर्सिंग कर्मचारी काम ना करने के लिए मजबूर होंगे। क्या परेशानी आ रही है? मैं सर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि आज पूरे संभाग, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अजमेर है, जिसमें पॉजिटिव कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अब बढ़ रही है, एक तरफ हर चीज़ की समस्या आ रही है, नर्सिंग कर्मचारियों भी अपनी समस्या को लेकर राय देने आते हैं और लगातार जी जान लगाकर बाढ़ में ड्यूटियाँ कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसे 14 दिवस में ड्यूटी पॉजिटिव के बाद सस्पेक्टेड में लगाई जाती, 1 महीने उनको दूर रखा जाता था, इस बार यही मांग की जा रही है, लेकिन उनको लगातार निरंतर ड्यूटी करनी होगी, अग्रिम आदेशों तक ड्यूटी करने का आदेश है, ना उनको ऑफ दिए जा रहे हैं, ना संक्रमण से दूर रखने का मौका दिया जा रहा है, इन हालातों की वजह से नर्सिंग कर्मचारी पूर्णतः परेशान है। मैं इतना कह जाऊंगा कि नर्सिंग कर्मचारी कम से कम 1500 कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव भी किया जा रहा है उन कर्मचारियों के साथ जो लगातार कई महीनों से ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये भी एक मुख्य कारण है कि नर्सिंग कर्मचारी चाहते हैं कि हम ही एक कोविड में क्यों ड्यूटी करें, बाकी के स्टाफ क्यों ना ड्यूटी करें, लेकिन इसके अलावा सबसे जो मुख्य मांग है वो है रोटेशन ड्यूटी जो पूर्व में लगाई थी कर्मचारियों की, रोटेशन ड्यूटी से अगर करते हैं तो कर्मचारियों को ड्यूटी करने में कोई समस्या नहीं है। मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018। समझते हो? और मैं ना
आगे अगर सत्य बात बोलूंगा, समझ गए बात? हाँ समझ गए। अगर तुम कह रहे मेरा कुछ उखाड़ दो, मेरा कुछ उखाड़ दो, उखाड़ दो, तुम भी उखाड़ दो, लिख के दे, लिख के तो आप भी तो लिख के दे। मैं कह रहा एक बात बताओ, एक बात बताओ, वो भी लग जाती है। ओ मैडम इसका हम लोग का कर रहा है, इसमें वो करके ना उसमें वो करके ना। मैडम क्या बात कर रहे हो? जो जाके बात नहीं करेगा आप आपको। हां मैंने मैसेज किया किया मैंने, आप रोस्टर को उठा के देखो कितने एससी के बंदे लग रहे हैं। ड्यूटी उठाओ, उठा उठा के देखो रोस्टर, सारे एससी के बंदे तो ना जो कुछ सिलेंडर चेक करने लगे हुए हैं। बात करते हो आप सारे एससी के बंदे सिलेंडर चेक करने लगे हुए हैं, और तुम बोल रहे कुछ उखाड़ना है, मेरा कुछ उखाड़ देना। अरे सीनियर के एससी के तैसी काय को सीनियर से वो भी यार हम सीनियर है क्या? ये मेरी बात सुनो, ये नर्सिंग का क्या है, मैं बेंच ऑफ ग्रेजुएशन करके आया हूँ।